बेस्ट है, बहुत सारे रिक्शे मिल जाएंगे। ये सारे रिक्शे वाले खड़े हैं, जय जनकपुरी बेस्ट है। यहाँ से आपको रिक्शे कहीं भी जा सकते हो, सारे रिक्शे वाले हाय कर रहे हैं। भैया देख सकते हो आप, सारे रिक्शे वाले हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर से जाना चाहते हो, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। बड़ा मुश्किल भरा है ये है वेस्ट दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। ये आप कहीं पे आके आप आ सकते हो। देख रहे हैं जा रहे हैं, हाय बाय कर रहे हैं। आइए जरा पूरी विकास में, ताकि ये रिक्शे देख सकते हो आप। यहाँ से रिक्शे लेके कहीं भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो आप। सारे रिक्शे वाले लिए देख सकते हो, आराम से आ जा सकते हो। यहाँ से रिक्शे ले जाएंगे आपको, जहाँ आप जाना चाहते हो यहाँ से रिक्शे पकड़ के जा सकते हो आप। और यहाँ पे आप बेस्ट की बात करते हो पानी के लिए, तो यहाँ पे नमोज वगैरह पानी वगैरह मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो अंकल नमोज वगैरह बना रहे हैं, रोटी वगैरह है। इसमें कुछ एडिट नहीं है, सारा चीज़ वही है जो रियल है। तो मैं रियल दिल्ली की बात बता रहा हूँ आप। इसके अलावा ये दिल्ली मेट्रो जो बेस्ट है, स्क्रीन पर आप आके यहाँ पे फोटो वगैरह करवा सकते हो। और कहे भाई भैया यहाँ पे बुक वगैरह मिल जाएगी आपको। एक चीज़ शायद सही कहा है कि आज के इस इवेंट के पीछे किताबें हैं ये जो सड़क पे पड़ी हुई हैं, और जूते अगर आप देखोगे तो जूते बहुत ही अच्छे अच्छे शोरूम में पड़े हुए हैं। शायद ये कहना सही है कि जिस देश में किताबें सड़क पे पड़ी हो और जूते शोरूम में पड़े हों, वहाँ की शिक्षा का क्या हाल हो सकता है। ये बहुत ही दुखदाई है। थैंक यू। दिल्ली वैसे एक चीज़ के लिए फेमस है, दिल्ली दिल वालों की है। हालांकि ये बात अलग है, क्या है क्या नहीं है देख सकते हो आप। दिल्ली बढ़िया जगह है, देख सकते हैं। ये कपड़े की शॉप है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर आना है तो सबसे बेस्ट होगा कि आप जनकपुरी बेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे ही आइएगा। जनकपुरी बेस्ट मेट्रो स्टेशन से नज़दीक पड़ता है, और जबकि ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट काफ़ी दूर हो जाता है। ये आप देखोगे ये बस चल रही हैं, यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हो। बाकी ये आपका जो दूर तक दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन है, जो आपको दिख रहा है वो जनकपुरी बेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और
ये आप देख रहे हो, ये भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। कपड़े की शॉप है, दांत का। यहाँ पे आप सामान लेने के लिए आ सकते हो, घूमने के पर्पज से भी आ सकते हो। बहुत सारे मॉल्स हैं, गाने वगैरह बजते रहते हैं यहाँ। ये बिल्डिंगे हैं, यहाँ देखोगे आप जगह जगह लैपटॉप रिपेयर्स। ये शॉप है यहाँ पे आपको मोबाइल लैपटॉप वगैरह मिल जाएगा। देख सकते हो आप, ये बिल्डिंग है। यहाँ पे देखेंगे आप लैपटॉप की भरमार है, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह बनाते हैं लोग। देख ये आप देख सकते हो, बताओ ये देख सकते हैं आप, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, यहाँ से इस तरह से देख सकते हो। यहाँ लोग आने के लिए आते हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ भी आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने से लेकर घूमने तक। ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, ये सामने मॉल है। हेलो हेलो बैंक, यहाँ से आप कभी भी घूमने हो तो आ सकते हो। बेस्ट जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, ये जो है आपका यहाँ पे जनकपुरी में पड़ता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर मार्केट वगैरह मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बड़ी शॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह की शॉप है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे आपको मोबाइल की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं
देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे लोग कंप्यूटर बनवाने, मोबाइल खरीदने या बनवाने के लिए ही आते हैं। और ये जनकपुरी का माना जाना जगह है, यहाँ पे अक्सर लोग इसी पर्पज़ से आते हैं ताकि अपना वो कंप्यूटर, अपना मोबाइल रिपेयर करवा सकें या नई चीज़ परचेस करवा सकें। देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंगें हैं। सामने इनेक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से है। चैनल सब्सक्राइब कर दो, हम भी देख लेंगे। वहाँ पे वो है, नाम बताओ। नाम संत सिंघानिया, एचपी का शोरूम है, नोवा का शोरूम है, आसू का शोरूम है। कौन कौन से टावर है यहाँ पे? टावर, हाँ टावर का नाम टावर बता दो। हाँ टावर का जना वन है, जना टू है, विश्वदीप है, विश्व सदन है, विशा टावर है, डी डी वन है, डी डी टू है, डी डी फाइव है, डी डी फाइव है, डी डी थ्री है, ज्योति शिखर है, ये कीर्ति शिखर है, सुनिश्चर टावर बन है, सागर टावर बन है, कंप्यूटर काम अच्छा है। वैसे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर करवाने के लिए? अफ्रीका ज्यादा आते हैं, यहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं। क्या आप लोग क्या करते हो यहाँ पे भैया? हम सफाई करते हैं ऑफिस में। सफाई करते हैं यहाँ? कितने टाइम से काम कर रहे हो? हम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। से रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ पे? राजस्थान से हो? 10 साल से यहाँ कर रहे हो? अच्छा, कितना पेमेंट मिल जाता है आपको यहाँ पे? 20,000। 20,000 मिल जाते हैं? 5,000 ऑफिस के अलग है। अच्छा, बिल्डिंग में 1,000 में मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, ठीक है ना? उन्हें बिल्डिंग पकड़ रखी है सफाई के। अच्छा, उसके अलग मिलते हैं। साफ सफाई का काम करते हो? जो ठेकेदार देता है 10,000 देता है। दोनों तरफ से आपकी इनकम हो जाती है, वो 20,000 के समथिंग हो जाता है। बाकी पढ़ाई लिखाई कितना की हो आप? मैं 10वीं पास। 10वीं पास हुआ? कितना टाइम हो गया दिल्ली में आए आपको? दिल्ली में आना 40 साल। कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो रिपेयर वगैरह था, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, वो सस्ते होते हैं कि ज़्यादा प्राइस लग जाते हैं? जैसे अगर वजीरपुर से आप कंपेयर करते हो, वजीरपुर में महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है? वजीरपुर से हल्का है। थैंक यू सर, बढ़िया किया सर आपने।